सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, और साथ ही साथ क्या है प्रिया? मम्मी पापा की 29th एनिवर्सरी। यस, और ये आई भाई जिनके एनिवर्सरी है। थैंक यू। और भाई मेरे तरफ से मेरे मम्मी पापा दोनों को सालगिरह मुबारक हो। अच्छा रोबोट तो भाई ये खड़ी अपने बॉइंग 47। प्रिया ने भाई उल्टी गिरती भी आई थी ना रास्ते में, तो पूरी कार गंदी कर दी है। देखिए ये पूरे उल्टे के निशानी भी साफ करने हैं, अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे कहीं पे पानी मिलता ना ऊपर तो करते हैं। और फिलहाल भाई निकलते हैं, ये नाम कैसा लग रहा है बताना। तो चलिए करते हैं गाड़ी स्टार्ट और फिर निकलते हैं। तो भाई अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कैची धाम बाबा नीम करौली के पास। तो जयकारा लगाते भाई बाबा नीम करौली का। जय बाबा नीम करौली की जय। तो भाई ये है माल रोड मनाली का कह रहा हूँ, नैनीताल का। तो लास्ट बार देख लो भाई, अब यहाँ से निकल रहे हम कैची धाम के लिए बाबा नीम करौली के पास। और फिर यहाँ पता नहीं कब आना हो कब नहीं। तो ये नज़ारा देखिए माल रोड का। ये यहाँ साइड में झील है, मैंने काफ़ी बार बता रखा वैसे ब्लॉग में, बट फिर भी ये देखिए आप व्यू, देखिए व्यू पूरा माल रोड का। दिखाता हूँ आपको रास्ता और फिर सीधा आपको मिलेंगे कैची धाम। ये रे भाई झील, कल यहीं घूम रहे थे हम। झील दिख रही है आपको? इसमें देख के बैठे रूम। ये रे ये झील का नज़ारा लीजिए आप। ये वन वे रास्ता है और वापस आने का भाई नीचे से है रास्ता, नीचे वाला रोड है ना वो है। अगर भाई किसी को फोटो खिंचवानी है तो भाई मस्त फोटो आएगी यहाँ। देखो भाई झील, देखो झील नीचे चलेगी वहाँ। चल फोटो वोटो खिंचवा जाइए, झील देख। फोटो तो झील के बीच में उतार रही है। तो चल बीच में चल, धूप भी आ रही है। तो भाई झील देखिए भाई, यार क्या मस्त झील है। अब आ रहा पूरा व्यू झील का। गाइस मैंने वीडियो बनाने में थोड़ी देर कर दी, इतने बढ़िया बढ़िया रोड आए ना, ऐसे घुमावदार लहर बना दी, साफ बना दिया साफ। लेट्स सी दोबारा ऐसे रोड आते हैं नहीं आते। मम्मी को तो मैंने झूला झुलवा दिया आधे घंटे से, कभी यूं झूला झुलती जा रही है मेरी माँ। तितर भाई देख लो जी, नैना देखा हो। और नज़ारे तो भाई चुम्बेश्वरी है लाजवाब। और भाई चैनल सब्सक्राइब ना करो तो भाई कर लेना यार, तुम्हारा ही भाई हूँ मैं भी। 20,000 का तेल फूंक दिया मैंने इस गाड़ी में, तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है तुम्हारा अब तो यार। तुम्हें इतनी जगह दिखा दी मैंने घुमा के। अगर आपने पहली वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, तो भाई पीछे वाली सारी वीडियो देखो। नैनीताल क्या क्या दिखाया मैंने व्लॉग में, हर एक जगह कवर करी है मैंने नैनीताल की, ठीक है? तो गाइस प्लीज़ वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, ठीक है? अगर इस वीडियो से जुड़े हो आप मेरे साथ तो पुराने व्लॉग्स भी देखना और आने वाले नए व्लॉग्स भी देखना, ठीक है? बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स है सारे, इसकी गारंटी मेरी है। अगर मज़ेदार ना लगे तो भाई कमेंट कर देना क्या कमी लगे व्लॉग में, अगली बार उसको सुधार लेंगे, ठीक है? तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं कैची धाम। ये नीचे मंदिर है नीम करौली बाबा का, मंदिर नीचे है। बस एक टर्न और लेना है फिर सीधा कैची धाम मंदिर में होंगे हम बाबा नीम करौली। लास्ट टर्न ये आ गया सामने मंदिर, आगे कर लेंगे, आगे देख लेंगे, पार्किंग देखते हैं आगे भी होगी। जल्दी हो जाता जल्दी के मंदिर तक आगे है अड़ा है होगी अड़े भी होगी देखते हैं अड़े भी पार्किंग है। स्कॉर्पियो ले रहा हूँ इतना भाई एकदम ढलान में पार्किंग एकदम ही हट दनु बना देते इस रोड पर क्या अड़ी लगा देता हूं सामने लगा दिया ये भाई लगा दिया हमने पार्किंग अब उतर। तो भाई ये देखो ये थी वो ढलान, यहाँ पे खड़ी कर दी हमने अपनी गाड़ी।
अब जा रहे मंदिर में दर्शन करने बाबा नेम करोली के। भाई ये है एंट्रेंस बाबा नीम करौली मंदिर की। अभी हम हैं कैची धाम बाबा नीम करौली मंदिर और ये उसकी एंट्रेंस है और वो रहा सामने मंदिर बाबा नीम करौली का मंदिर। भाई ये है मेन एंट्रेंस, इसके आगे ना वीडियो अलाउड है ना फोटो। दर्शन करके आ चुके हैं और भाई बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके, एकदम शांति थी क्योंकि भाई फोन अलाउ नहीं थे ना अंदर, तो एकदम शांति थी, पीस थी, प्योर पीस थी भाई, ना कोई शोर शराबा, बस चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी और बैल की घंटी। ये भाई कैची धाम मंदिर है और ये देखिए नीचे कैसा लगा अंदर जाके। अच्छा लगा ये सही था कि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, शांति कैसा लगा अंदर जाके? बहुत बढ़िया था, शांत एरिया था, बाबा का मंदिर में बड़ा शांति से बैठो, अच्छे दर्शन। अंदर जाके इतना अच्छा लगा ना, क्या बताऊँ, मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का कि यहाँ से कहीं जाए, मन कर रहा अंदर ही बैठे रहे या यहीं पे रहे अभी एक दो घंटा। और भाई इतना अच्छा लग रहा ना यहाँ बैठ के, मतलब पीस है भाई, ठंडी हवा चल रही है, शांत माहौल है और बाबा जी का आशीर्वाद है। ज्यादा तो है बट ठंडी हवा चल रही है, बट अच्छा लग रहा ना यहाँ, एकदम शांत माहौल है। तो अभी यही है, अभी तो यही है एक दो घंटा, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं खाने। और भाई पीछे का व्यू देखो, ये जो पानी आ रहा है ना, छोटी सी नदी है ये देखो यहाँ से आ रहा है पानी और ये पूरा यहाँ से यहाँ जा रहा है नीचे। अंदर क्या, अंदर जाके भाई इतनी श्रद्धा फील हुई ना हमें, इतनी ज़्यादा, इतनी बहुत ज़्यादा भाई, जो ना आया वो एक बार यहाँ जरूर आए। भाई जरूर आना, मेरे रिक्वेस्ट है, एक बार मेरे कहने पे भाई जरूर आना एक बार। इतनी शांति है ना, इतना मजा आनंद आवा है, इतना अच्छा लगेगा ना आपको, इतना अच्छा लगेगा ना आपको यहाँ आके। और यहाँ का नज़ारा भी देखो, नदी है बहुत मस्त है, पानी भी इतना बढ़िया है यहाँ का, एकदम नीला जल है बिल्कुल शुद्ध। तो भाई मेरे और मेरी मम्मी के कहने पे एक बार जरूर आना कैची धाम, जो देख रहा है देख रही है जरूर आना, चाहे मेरी बहू हो देखने वाली वो भी जरूर आना, ठीक है, तेरी सास ने कही आ जाइए। और भाई यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हमें इतना अच्छा फील हो रहा है ना यहाँ पे, पॉजिटिविटी इतनी अच्छी मिल रही है ना यहाँ पे, मतलब जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होगी ना आपकी सारी खत्म हो जाएगी। और क्या आराम से बैठे हो, ओनली ना आना है, करो प्लानिंग, करो पैकिंग और आ जाओ यहाँ पे कैची धाम, एकदम पॉजिटिव होके जाओगे भाई, एकदम पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी आपको यहाँ। ठंड भी लग रही है, धूप भी लग रही है, दोनों काम है, दोनों चीज़ है, ये तो है। सुनूंगी ध्यान से, आना है आना तो आना है, भगवान के दर्शन करके जाना। तो अभी निकल रहे भाई घोड़ा खाल घंटे वाले मंदिर के लिए, ठीक है। रास्ते की वीडियो क्या बनाऊँ, रास्ता तो आपने देख ही रखा है कैसा है, कुछ स्पेशल आएगा तो भाई दिखा दूंगा, ठीक है। आप सीधा मिलेंगे आपको आगे।